अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर जुमे वाले दिन दो सेशन होते हैं, एक जुमे से पहले होता है और एक जुमे से बाद में होता है। और जुमे से जो पहले सेशन होता है वो 1 बजे ख़त्म हो जाता है। 17 अप्रैल को जो जुमा था उस दिन जो पहला सेशन ख़त्म हुआ तो उस दिन स्टॉक मार्केट 1 बजे रुकी नहीं बल्कि 196 सेकंड मजीद चलती रही। और इस 196 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम डल गया, जो उस दिन अगर दोनों सेशन मिला लिए जाएं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्रेस रिलीज के मुताबिक 0.79% था। और अगर माहरीन कहते हैं कि अगर सिर्फ पहले सेशन का वॉल्यूम लिया जाए तो उसके मुताबिक लगभग 2% था टोटल वॉल्यूम का। अब ये 196 सेकंड के अंदर ये मार्केट का 2% वॉल्यूम कैसे लग गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अक्सर होता रहता है लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता। वो चंद एक ट्रेड्स होती हैं जो टाइम से ऊपर चली जाती हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाता। ये जो पकड़ी कैसे गई, ये वैसे ही पकड़ी गई जैसे हमारे मोहतरम जनाब रऊफ क्लासरा साहब कौम की रहनुमाई फरमा रहे थे कि इमरान खान बड़ा काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ बगावत कर दी है हफीज शेख ने, और दरमियान में से हमने निकाल लिया कि 420 लाख रुपया जो है 4 करोड़ 20 लाख रुपया वो आया किस काम के लिए है, और वो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई। तो इसी तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया थी उन्होंने लिखा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को कि हजूर ये जो फ्राइडे को पहले सेशन के आखिर में ये वॉल्यूम लगा है इसकी सेटलमेंट जो है वो ट्यूसडे को होगी या वेनसडे को होगी। यानी क्योंकि 1+2 का सिस्टम चलता है ना, अगर आज आपने ट्रेड की है तो वो अगले दो ट्रेडिंग डे के आखिर में जाके वो सेटलमेंट होगी। तो उन्होंने सेटलमेंट के बारे में पूछा तो आगे बैठे हुए थे हजरत मिर्जा खालिद साहब। खालिद मिर्जा साहब जो है मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, उनकी ऑनेस्टी की वजह से, उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। अगरचे वो शौकत अजीज़ साहब की दरियाफ्त थे लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा कैपिटल मार्केट है इसको मौजूदा हालत में डेवलप करने में उनका बड़ा किरदार था, और उन्होंने आके बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला था जो हर तीसरे चौथे साल मार्केट में लूट मचा के लूट जाया करते थे। अब जो खालिद मिर्जा साहब के पास वो लेटर पहुँचा तो जाहिर है उन्होंने चेयरमैन को एड्रेस करना था, चेयरमैन के पास जाना था। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, मैं बताऊंगा आगे इसको सेटल कैसे करना है, लेकिन पहले ये बताएंगे हुआ कैसे, ठीक है। और क्या जो शोजिब साहब जो थे वो सो रहे थे, वो जो सर्वेलेंस और विजिलेंस के थे, ये तो रिपोर्ट उनकी तरफ से आनी चाहिए थी और ये मामला उन्हें सेटल करना चाहिए। ये शोजिब के नाम से आपको कोई पर्सनैलिटी याद आई, वो पीटीआई के शोजिब कमल है, वो जो बैठ के हर एक के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा रही होती है ना, ये उनके मियाँ हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मामला पहले तो बताएं ये हुआ कैसे। अब वहां पे फटा पड़ गए, और हमारी इत्तला के मुताबिक खालिद मिर्जा साहब ने ना सिर्फ के शोजिब मिर्जा साहब की ठीक ठाक जिसे कहते हैं चित्रौल फरमाई है, बल्कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया। अब जो वो वाले लोग ना वो जो तालियां बजाया करते थे गोनवाज को, उनका ख्याल वो कुछ भी नहीं होना जी, 5 दिन के बाद क्या होता है, ये तो उसी वक्त मौके के ऊपर सेटल करने की चीजें थी। हजूर जाने दे, एक एक जो डील होती है, एक एक सौदा जो होता है वो पड़ा है, उसका फोरेंसिक ऑडिट होगा और फोरेंसिक ऑडिट से पता चल जाएगा कि किसने माल डाला और किसने निकाला। ये इन हाउस ट्रेडिंग की भी एक सूरत हो सकती है, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये इन हाउस ट्रेडिंग की भी हो सकती है। ये शोजिब साहब वैसे हीरे हैं, वो JIT वाले हैं, कहा जाता है कि वो है, ठीक है। अब जो है वो जो अब वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं हो रहा जी, ये तो हो गया जो कुछ हो रहा था वो तो। अब जाहिर है कि वो एक नाजायज है ट्रेड है, उस नाजायज ट्रेड को कानून का गिलाफ पहनाना पड़ेगा, और कानून का गिलाफ नहीं पहनाएंगे तो वो जो नेचुरल चाइल्ड है उसको ओन कौन करेगा। तो ये तो एक जगह पे सूरत हाल हो गई है, लेकिन फोरेंसिक ऑडिट होगा, इंक्वायरी कमेटी जो है वो बताएगी किस हाउस ने माल डाला था, किस हाउस ने माल निकाला है और इसमें क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों ने फौरन नारा लगा दिया कि जी ये AKD साहब का काम है, AKD साहब इस तरह की हरकतों में नहीं
पढ़ते हैं ना, वो जरा वो बड़ा काम है। ये छोटे मोटे शोधे किस्म के जो लुटेरे आए हैं ना आजकल हमारे यहाँ बड़े ऑन हैं, वो कभी शुगर में पकड़े जाते हैं, कभी दवाइयों के रेट में पकड़े जाते हैं। दूसरी बात, जो वहां पे बैठे हुए लोग जो काफी अरसे से स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, वो कहते हैं कि इंतजामिया और वॉचडॉग और जो अंदर बैठे हुए जो जिन्होंने ये ट्रेड किया है, इन सब की जो ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा समझते हैं ना, हर कोई अपने वक्त के ऊपर अपना तान और सुर छेड़ता, ये ऑर्केस्ट्रा इन सब की कनाइवेंस के बगैर और कोहेशन के बगैर और बाहमी ताल और रबत और मेल के बगैर नहीं बच सकता। तो लिहाजा ये पूरा एक ग्रोह था जिसने ये वारदात डाली है, और इस ग्रोह को अगर जाने दिया गया तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो तो पहले ही निकल रहे हैं और लोकल भी निकलेंगे, और इस वक्त जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव हुए हैं जिसकी हम कल के व्लॉग में बात करेंगे, और इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं हुए हैं, मैं रिलीफ मिला, तो उस रिलीफ के नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चढ़ने के लिए फुल तैयार है, और हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है कि स्टॉक मार्केट चढ़े, और अगर हुकूमत ने मार्केट ने चढ़ना है तो वो इस लायबिलिटी के साथ नहीं चढ़ सकती, इसके ऊपर इंक्वायरी की रिपोर्ट आपको पब्लिक करनी पड़ेगी। तो यूं इमरान खान के दौर के अंदर एक और इंक्वायरी जो है उसका डोल जो है वो डल गया है, और ये इंक्वायरी जो है वो बहरहाल उनके हुक्म से नहीं हो रही, ये इंक्वायरी जो है खालिद मिर्जा साहब के हुक्म से हो रही है। खालिद मिर्जा साहब वो साहब हैं जिनको के दोबारा लेके आए मियाँ इमरान मियाँ नवाज शरीफ कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि इसहाक डार साहब लेके आए जी इनको दोबारा, और इनकी ईमानदारी और इंटेग्रिटी की वजह से। और खालिद मिर्जा साहब किसी की नहीं सुनते, वो असूल के बंदे हैं, वो बाय बुक चलते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं। लिहाजा मौजूदा हुकूमत ने आते ही दो अटैम्प्ट किए उनको हटाने की, फिर उनके जितने भी कमिश्नर थे उनको नैब बुला लिया करती थी कि इस केस में हमें बताएं, और वो उनकी सीटें परमानेंट नैब ने अपने दफ्तर में ही लगवा ली थी। तो खालिद मिर्जा साहब ने उसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया कि जनाब बंदे वो मेरे हैं, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर पांच कमिश्नर होते हैं, पांच डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो ये जो विजिलेंस और सर्विस शोज ऑफ मिर्जा है तो वो हेड करते हैं, तो हेड जो करते हैं अब वो उनको बुला के नैब साहब बिठा लेते थे कि जनाब बताएं हमें, वो बिठाते नहीं थे बेसिकली, वो तो ससुराल जाते थे। तो खास मिर्जा साहब ने इस पर खप डाली, उनकी सुनवाई कोई नहीं हुई क्योंकि प्योर टेक्निकल इशू था, उन्होंने कहा या तो मुझे बंदे और दे दें क्योंकि काम करना है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, और या ये कर ले। तो ये इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अजीबोगरीब एकदम झटका लगा, क्योंकि हम प्लीड करते हैं अपने प्रोग्रामों के अंदर भी और आपके सामने बैठ के भी कि पाकिस्तान की सबसे ट्रांसपेरेंट जगह जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। ट्रांसपेरेंसी इसी से अंदाजा कर लें कि दूसरे दिन ही उसके ऊपर खप पड़ गई, और संडे वाले दिन इंक्वायरी भी ऑर्डर हो गई सैटरडे वाले दिन, और संडे वाले दिन उसके ऊपर अमल भी शुरू हो गया, और अब इसका नतीजा निकालने के लिए आपको और मुझे जो है वो ना सिर्फ के शोर डालना पड़ेगा बल्कि वो भी करना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि लाहौर में एक दफ्तर में एक बैंक डिफॉल्ट होने लगा था, और उस बैंक के जो मालिक थे उनके पास जो था कोई ऑप्शन नहीं था कि वो क्या करें, वो चाह रहे थे कि कोई इसको ख़रीद ले, तो पुरानी याद अल्लाह थी हमें भी उन्होंने तलब फरमाया, तो हम गए उनके दफ्तर में, तो उनके दफ्तर के सामने जो सोफे लगे हुए थे हम उस पर बैठ गए, तो एक साहब आए, उन्होंने उनको अपनी टेबल पर बिठाया, वो सोफे से ज़रा हट के टेबल थी, तो हम ला तल्लुक से बन के बैठे रहे ऐसे चेहरे पे रख के ताकि उनको नजर ना आए कि हम कौन हैं। तो वो जो साहब थे वो कोई कमिश्नर थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, मैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप खुद जोड़ते रहे मैं नहीं जोड़ रहा। तो वो साहब आए तो उन्होंने उनसे कहा कि जनाब ये बैंक जो है ये आप मेरे हवाले कर दें,
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ही उसके ऊपर उस वक्त ना वो पंजा डाला हुआ था कि जनाब आपकी जो लिक्विडिटी रेशियो जो है वो पूरी नहीं है और आपके डेट जो है वो लाइबिलिटीज से बढ़ गए हैं, लाइबिलिटीज जो हैं वो एसेट से बढ़ गई हैं, तो आप जो है या लिक्विडेट करें या नया इन्वेस्टर लेके आए। उन्होंने कहा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, वो आप फिक्र ना करें, आप और मैं अगर वहाँ से छोड़ूंगा भी तो मैं यहाँ पे वहाँ पे अपने पूरे ग्रुप है वो उसको सेटल कर लेगा, बाकी बताएं आप जो है एक इन्वेस्टर है मेरे पास। और यूं उन्होंने वो बैंक जो है वो लेने की कोशिश की, लेने की कोशिश कर रहे थे, बाद में वो नहीं हुआ, वो कहीं बिक गया किसी, वो बैंक जो था वो किसी प्रॉपर्टी टाइकून ने शायद खरीद लिया, मैं ऐसे जेन में ख्याल आया, तो ऐसे ही मैंने कहा वाकया बता दें आपको जाते जाते, लेकिन इसका मैंने पहले वाले जो खबर है उससे कोई वाकया इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जो उड़ते रहे अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ कल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।